बन गए हैं, आप लोगों ने ऐसे ही ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि चिकन वेजिटेबल रोल कैसे बने हैं। माशाल्लाह इतने प्यारे खूबसूरत बने हैं। वेलकम टू माई किचन। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी भी लेके आई हूँ, वेजिटेबल चिकन रोल बनाकर लेके आई हूँ और वो बनाकर दिखाऊंगी वो कैसे बनेंगे। चिकन वेजिटेबल रोल जो बनेंगे ये इसके मसाले हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, चिली केचप और हरी मिर्चें, लेमन, बंद गोभी, चिकन, आलू, दो आलू लिए थे ये आधा किलो के, मतलब रेशे हमें चिकन के बनाए हैं, दो प्याज काट के बारीक बारीक ऐसे करके रखे हुए हैं, ये एक चम्मच जीरे का है, ये एक चम्मच काली मिर्ची हैं, ये चार अदद शिमला मिर्चें हमने बीज निकाल के साफ़ करके धो के ये इस तरह बारीक बारीक काट ली हैं। और ऐसे ही आप लोगों ने रेशा बनाना है चिकन का, और प्याज भी ऐसे ही काटने हैं, आलू भी ये दो काट के ऐसे ही बारीक बारीक काटने हैं आलू वगैरह, और बंद गोभी और ये धनिया का इस्तेमाल होगा। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका चिकन वेजिटेबल रोल का, जो हमने आटा गूंदना है इसका, जो वो हम इसको स्टार्ट करते हैं, गूंदते हैं। ये आधा स्पून हमने नमक का डाल देना है इसके अंदर, और एक चम्मच हमने इसके अंदर घी डालना है। इसके अंदर आधा चम्मच नमक का चला गया और एक चम्मच घी का चला गया, इसको हम अच्छी तरीके से मल लेंगे। इसमें अजवैन और ज़ीरा नहीं डालते, वो समोसा होता है जो बाज़ार में बिकता उसमें डालते हैं, इसमें नहीं हमने डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको गूंद लेंगे, इसका सख्त सा पेड़ा बना लेना हमने। हमने एक कप पानी नहीं इस्तेमाल होना, बस हल्का सा ही पानी डालना है बस इसके अंदर, और इसको हम गूंद लेंगे ऐसे ही। अगर ढीला हो भी जाए तो हल्का सा और मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसका आटा, इसकी डो जो बनानी है वो सख्त बनानी है, अगर नरम पड़े तो थोड़ा सा आटा और डाल लो। ये देखें नाजरीन, ये हमने डो बना दी है चिकन वेजिटेबल जो रोल बनाने हैं, और ये आटा देख ले, तो कप मैदा और एक चम्मच आधा चम्मच नमक, और इसके अंदर आधे से कम नमक डाला है, और एक चम्मच पूरा भर के हमने घी का डाला था। ये बिल्कुल तैयार हो गया है और इसको हम रख देते हैं ढाँप के, जब तक हम मसाला बना लेते हैं इसका। जी नाजी, ये देखिए हम फ्लेम ऑन कर रहे हैं, फ्लेम हमारा ऑन हो गया है, कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और इसके अंदर हमने तीन चम्मच के करीब घी डाल देना है। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर प्याज डालेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे, इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं, हर चीज़ हम पका के तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा मसाला तीन चार दिन तक फ्रिज में फ्रीज करके रख सकते हैं। ये हमने एक टेबल स्पून जीरा कट करा लेंगे हल्का सा, और
हल्का जीरा गड़गड़ाने से खुशबू होती है। और अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे, ये हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देंगे, ये भी भून जाएगी इसके साथ में। अब शिमला मिर्चें भी डाल देंगे इसके अंदर ही। आधा टेबल स्पून हम ब्लैक पेपर डाल देंगे और ये 3 चम्मच चिली सॉस, सोया सॉस डाल दिया, आप चिली सॉस डाल देंगे। ये चिली केचप है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। लेमन का जूस डाल देंगे। ये इतना 1 चम्मच हमने सिरका डाल देना इसके अंदर। अब शिमला मिर्च बंद गोभी डाल देंगे साथ ही। हमने डाली थी सिरका वगैरह, हर ये मसाले बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और हमने खड़ा खड़ा मसाला रखना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसके अंदर ये हम धनिया डाल देंगे, आलू भी हमने इतने के 2 आलू काटे थे बीच, ये भी इसका इसका जायका बनता है। चिकन वेजिटेबल रोल के अंदर हल्का सा आलू बारीक बारीक करके डाल दो, इसका जायका मसाले का बहुत अच्छा बन जाता है। और अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे 1 चम्मच, नमक डाल दिया। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इस पट्टी रोल पट्टी बना लेते हैं जब तक ये ठंडा होता है मसाला। जी नाज़रीन, हमारे चिकन वेजिटेबल रोल के देखो डो तैयार थी, बिल्कुल तैयार हो गई है। और हम इसको अब इसके अंदर से निकाल के इधर रख देंगे। इसके हमें 3 पेड़े बनाने हैं। इसके हम 3 पेड़े कर लेंगे, 3 के ही। फिर इसको हम बेल के आप दिखाएंगे कि इसकी रोल पट्टी कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमारे 3 पेड़े बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। इसको हम एक एक करके बेल लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये हमने 3 पेड़े बनाए थे तो 3 हमने रोटियां बड़ी बड़ी बेल के रख दी हैं। और ये देखिए तीसरी हम बेल रहे हैं। इसके हमने 4 रोटी के हमने 4 रोल बनाने हैं। वो कैसे बनाने, कैसे काटेंगे वो हम आपको आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत आसान, इजी है और मैश बड़े आराम से हो जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो आपने पहले ऐसे कर लेना है। फिर इसको ऐसे कर लेना है। ये निशान बन गए ना, आप इसको काट लोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के अंदर ना कोई आटा जाया हुआ है ना कोई और चीज़। और देखो इसको मैं हम दोबारा थोड़ा सा हल्का हल्का सा कर लेंगे।
बहुत आसान है, बहुत इजी है। ऐसे करके आपने पानी लगा लेना, इससे आगे हल्का सा पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। ताज़ी पट्टियाँ बनती हैं तो फिर हल्का सा लगता है पानी सिर्फ अकेला ही। इसके अंदर मसाला ज़्यादा नहीं भरता, कम कम भरते हैं आप लोगों ने कम ही। ये चिकन वेजिटेबल रोल बन रहे हैं और इसके अंदर मसाला कम डालते हैं, इसमें अंदर टमाटर नहीं डालना चाहिए। अब ये हमने जो मसाला तैयार किया है इसको हम फ्रीज़र के अंदर कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन तक रख सकते हैं। जैसे मसाले निकालते जाओ ऐसे 2-3 पेड़े बनाओ और आप अपना घर के अंदर चिकन पट्टी रोल बिल्कुल तैयार फौरन ताज़े फ्रेश करके बना के तैयार कर सकते हैं फौरन, तो फौरी तौर पे बहुत इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से हल्का सा ऐसे कर लो। चलो ये हमारी तैयार हो गई है रोल पट्टी बिल्कुल। ये मैंने इस करके दिखाया, अगर ये थोड़ा सा बीच में रह जाए अंदर फोल्ड कर दो, ऐसे हम सब बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नाज़रीन हमारे रोल बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और कढ़ाई गर्म हो गई है। इसके अंदर हम घी डालेंगे। ये घी गर्म कढ़ाई में हो गया है बिल्कुल, घी तैयार है। अब इसके अंदर रोल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारे बिल्कुल ये रोल फ्राई हो गए हैं, गोल्डन शेप में आ गए हैं, गोल्डन शेप आई हुई है इनकी। देखिए ऐसे बना रहे हैं जी नाज़रीन, ये देखिए हमने रोल बिल्कुल फ्राई कर लिए, तैयार कर लिए हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। वेजिटेबल रोल कैसे बने हैं, माशाल्लाह कितने प्यारे खूबसूरत बने हैं।